हे दोस्तों, यार फरवरी का महीना होने जा रहा है, खत्म आ रहा है मार्च, और मार्च के इस महीने में आ रही है काफी बड़ी बड़ी फिल्में। लेकिन हम बात करेंगे 10 उन बड़ी फिल्मों की जो हॉलीवुड की होंगी, बॉलीवुड की होंगी, साउथ हिंदी डब्ड होंगी, साथ में यार 5-6 फिल्में बोनस के तौर पे भी आपको बता दी जाएंगी। अब ये कौन सी फिल्में होने वाली, उन सबको जानने के लिए आपको हर बार की तरह एक छोटा सा ही काम करना होगा। वीडियो अच्छे लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा अगर आप चैनल पर नए आए तो। दोस्तों बात करें फर्स्ट फिल्म जो होने वाली है, लापता लेडीज। लापता लेडीज एक सोशल कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन दिया है किरण राव ने, जिसके लीड रोल में आपको नितान सी गोयल, प्रतिभा रत्ना जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं। और फिल्म की कहानी काफी ज्यादा कॉमेडी और ड्रामा से भरी होने वाली है, जहां पर आपको अभी अभी हुई शादी में एक लड़के की बीवी जो हो चुकी है लापता, जिसके चक्कर में लग गया है पूरे गांव में और शहर में बवाल। अब भाई कैसे हुई वो लापता, ये सब दिखाया जाएगा इस फिल्म के अंदर, जिस फिल्म को जल्द यानी कि 1 मार्च को रिलीज किया जाएगा सिनेमा घरों में। यार करा के वापस लौट रहा था तो रास्ता में इसकी बीबी खो गई। सर कैसे हुए? बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है गोधरा। गोधरा एक सोशल क्राइम ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन दिया है एमके सिवाक्स ने, जिसके लीड रोल में आपको रणवीर सोरिया, मनोज जोशी, हितू कोंडिया जैसे कलाकार नजर आने वाले। जिस फिल्म के अंदर आपको ट्रू इवेंट दिखाया जाने वाला है, जहां पर आपको 59 कार सेवकों की कैसे ट्रेन में जलाकर हत्या कर दी गई थी साबरमती एक्सप्रेस में, वो सब देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर। अब क्या थी वजह वो सब जान पाओगे आप 1 मार्च को सिनेमाघर जाने के बाद। यार बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है ड्यून पार्ट 2। ड्यून पार्ट 2 एक साइफाई एक्शन एडवेंचर ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन डेनिस ने ही दिया है, जिसके लीड रोल में आपको टिमोटी चालमेट और जेंडिया फिर से नजर आने वाले। जिस फिल्म की कहानी आपको पार्ट 1 के एंड से ही कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी, जहां पर पॉल को अपने साम्राज्य और अपने पिता के मौत का बदला लेना है और अपनी सेना बना के भाई वो साम्राज्य हासिल करना है। तो वो कैसे करेगा ये साम्राज्य हासिल और क्या होंगी लड़ाइयां, वो सब देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर, जिस को 1 मार्च को रिलीज किया जाएगा सिनेमाघरों में, जो आपको इंग्लिश और हिंदी में देखने को मिलने वाली है इंडिया के अंदर दोस्तों, जो कि 1 मार्च को होगी अब रिलीज। यार बात करूंगा नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है दंगे। दंगे एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन बिजॉय नामबिर ने दिया है, जिसके लीड रोल में आपको हर्षवर्धन राणे, एहान भट्ट, निकिता दत्ता जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं। जहां पर आपको कहानी दिखाई देगी एक कॉलेज की, जहां पर चल रही है लव स्टोरी और साथ में चल रही है वॉर, यानी कि रोमांस के साथ एक्शन भी इस फिल्म के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है, जिस फिल्म को भी 1 मार्च को रिलीज किया जाएगा सिनेमा घरों में। यार मैं तुझे पहले कहा था कि शुरू तू करेगा, खत्म मैं करूंगा। नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है सैतान। सैतान एक सुपरनेचुरल हॉरर ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन दिया है विकास बैल ने, जिसके लीड रोल में आपको अजय देवगन और माधवन ज्योतिका जैसे कलाकार नजर आने वाले। जहां पर आपको काफी ज्यादा हॉरर और थ्रिल दिखाई देने वाला है, जहां पर आपको आर माधवन सैतान का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे और अपनी फैमिली को कैसे अजय देवगन बचाएंगे वो सब दिखाया जाएगा इस फिल्म में। और ये फिल्म वैसे तो ऑफिशियली रीमेक है गुजराती फिल्म वस का, जिसे बॉलीवुड अंदाज में बनाया गया है, जो फिल्म आपको जल्द यानी कि 8 मार्च 2024 को देखने को मिल जाएगी सिनेमा घरों में। यार नमस्कार, डायल 100। हेलो, वो उसे मार डालेगा सर। हेलो हेलो मैडम, वो जबरदस्ती हमारे घर में घुसा। जबरदस्ती? बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है बस्तर। बस्तर एक क्राइम एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन दिया सुदीप्तो सेन ने, जिसके लीड रोल में आपको अदा शर्मा नजर आएंगे। और इस फिल्म की कहानी भी ट्रू इवेंट पर बेस होने वाली है, जहां पर आपको कहानी देखने को मिलेगी बस्तर में हमारे 76 जवान हुए थे शहीद, जिनकी खुशी पाकिस्तान में नहीं हिंदुस्तान के JNU में भी बनाई गई थी। लेकिन IPS नीरजा माधवन उस सब का बदला लेने के लिए निकल चुकी है और नक्सलवादियों की वाट लगाती हुई नजर आएंगी, जिस फिल्म को रिलीज किया जाना 15 मार्च 2024 को दोस्तों, जो कि सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। यार इन वामपंथियों को सड़क पे खड़ा कर सरेआम गोली मार दूंगी, चढ़ा देना फांसी पर। बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है योद्धा। योद्धा एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन दिया सागर आमरे ने, जिसके लीड रोल में आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिशा पाटनी, राशि खन्ना जैसे कलाकार नजर आएंगे। जहां पर आपको कहानी देखने को मिलने वाली है हाईजेक प्लेन की। जी हाँ दोस्तों, कुछ आतंकवादियों ने एक प्लेन को हाईजेक कर लिया है। अब कैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा जो इसके अंदर सोल्जर का रोल निभा रहे हैं, कैसे उन इंडियनों को छुड़ाएंगे और कैसे हाईजेक से लोगों को बचाएंगे, इसको देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर, जिस फिल्म को 15 मार्च को रिलीज किया जाएगा सिनेमा घरों में। यार
बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है स्वतंत्रता वीर सावरकर। सावरकर एक बायोपिकल पीरियड ड्रामा फिल्म होने वाली है जिस फिल्म को डायरेक्शन रणदीप हुड्डा ने दिया, जिसके लीड रोल में आपको वो खुद ही नजर आने वाले, जहां पर आपको भाई साहब बायोग्राफी दिखाई जाने वाली स्वतंत्रता वीर सावरकर की, कि कैसे उन्होंने हिंदुओं को उनका हिंदू धर्म वापस लौटाने का काम किया था, कितने सतत प्रयास किए थे जिसके कारण उन्हें जेल में डाला गया, काला पानी तक की सजा उन्हें दी गई सिर्फ इसी वजह से। ये सब देखने को मिलने वाला है इस फिल्म के अंदर, जहां पर रणदीप हुड्डा आपको वीर सावरकर के किरदार में नजर आने वाले। जो फिल्म आपको 22 मार्च को देखने को मिलने वाली है सिनेमा घरों में, जिसे हिंदी और मराठी भाषा में रिलीज किया जाएगा। दोस्तों बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है दाक्रू। दाक्रू एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है जिस फिल्म को डायरेक्शन राजेश कृष्णा ने दिया है, जिसके लीड रोल में आपको करीना कपूर, तब्बू, कृति सनन, साथ में आपको दलजीत और कपिल शर्मा भी नजर आने वाले हैं, जहां पर आपको कहानी दिखाई देगी 3 एयर होस्टेस की, कैसे भाई साहब वो सर्व करती हैं लोगों को प्लान में, और क्या प्यार क्या टकरार, ये सब देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर, जिस फिल्म को 29 मार्च को रिलीज किया जाएगा सिनेमा घरों में। हालांकि ये पहले 22 मार्च को आ रही थी, लेकिन अब 29 मार्च को आ रही है। यार आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए। बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है दो और दो प्यार, जो कि रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है जिस फिल्म को डायरेक्शन दिया है सिरसा गोहा ने, जिसके लीड रोल में आपको विद्या बालन, इलियाना डिक्रूज, प्रतीक गांधी, साथ में सैंडिल भी नजर आने वाले, जहां पर आपको रोमांस कॉमेडी ड्रामा देखने को मिलने वाला, और इस फिल्म को 29 मार्च को रिलीज किया जाएगा सिनेमा घरों में। तो 10 फिल्में तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन बोनस के तौर पर आपको 6 फिल्में और मैं बता देता हूं। फर्स्ट फिल्म जो होने वाली है वो होने वाली है ऑपरेशन वैलेंटाइन, जो कि आपको पता है फरवरी में आने वाली थी। तो फर्स्ट फिल्म होने वाली है ऑपरेशन वैलेंटाइन, जो कि एरियल एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, शक्ति प्रताप के डायरेक्शन बनी एक बेहतरीन फिल्म। लीड रोल में वरुण तेज, मानुषी छिल्लर नजर आएंगे, जहां पर आपको इंडियन एयरफोर्स के कुछ और एयर स्ट्राइक देखने को मिलेंगे, खासकर पुलवामा के बाद के। जी हाँ दोस्तों, पुलवामा अटैक का इसके अंदर महत्वपूर्ण किरदार आपको दिखाई देने वाला है। और इस फिल्म को वैसे तो फरवरी में रिलीज किया जाना था, बट अब ये फिल्म 1 मार्च को आपको देखने को मिलेगी सिनेमा घरों में, जिसे हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज किया जाएगा। यार हम पे हुए हर वार का हमने हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया है, क्या आप तैयार हैं आसमान का रंग बदलने के लिए? नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली कागज 2। कागज 2 की सोशल कोर्ट ड्रामा फिल्म होने वाली है, वीके प्रकाश के डायरेक्शन में बनी बेहतरीन फिल्म, जिसके लीड रोल में आपको सतीक कौशिक, अनुपम खेर, दर्शन कुमार जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं, जहां पर आपको कहानी देखने को मिलेगी एक बाप की, जहां पर कुछ पार्टियों की रैली के चक्कर में जाम लगा और उसकी बेटी की हो गई मौत एम्बुलेंस में, और अब उस केस को लेके वो हजारों केसों के साथ लड़ने पहुंचा है कोर्ट, यानी कि ये ट्रू इवेंट है एक पूरी तरीके से, जो आपको देखने को मिलेगा 1 मार्च को सिनेमा घरों में। यार आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश सेवा के नाम पर अपने रास्ते बनाने के लिए दूसरों के रास्ते रोकने का अधिकार इनको दिया किसने? बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है कन्नी। कन्नी एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है, जो कि एक मराठी फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को भी 8 मार्च को रिलीज कर दिया जाएगा, जो केवल मराठी भाषा में आएगी। दोस्तों नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है जटनू चुड़ैल टकरी, जो कि एक हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है, और ये फिल्म गिप्पी गरवाल, सरगुन मेहता की एक बेहतरीन कॉमेडी से भरी फिल्म है, जहां पर सरगुन मेहता जो कि चुड़ैल का किरदार निभा रही हैं, और वहीं पर गिप्पी गरवाल की वाइफ का भी, जिसका टीजर ट्रेलर तो काफी पसंद आया लोगों को, लेकिन फिल्म भी अब जल्द आ रही है, जो कि आपको 15 मार्च को देखने को मिलेगी सिनेमा घरों में। यार वहीं बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है बारोज। बारोज ना मोहनलाल सर की एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म की शूटिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, और इस फिल्म को पैन इंडिया 28 मार्च को रिलीज किया जाना है, लेकिन इसकी रिलीज डेट अब थोड़ी सी पोस्टपोन होती हुई नजर आई है। हालांकि कोई पोस्टपोन अभी तो नहीं किया फिलहाल, लेकिन हो सकती है। लेकिन वहीं बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली भीमा। भीमा ना गोपीचंद की एक कोप एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को केवल तेलुगु भाषा में रिलीज किया जाना है, और ये फिल्म 8 मार्च को आ रही है फाइनली, क्योंकि ये भी भाई पिछली बार फरवरी में ही आ रही थी, लेकिन अब 8 मार्च को केवल तेलुगु आ रही है, तो हिंदी में नहीं आ रही। तो यही थी वो 10 बड़ी फिल्में जो मैंने आपको बता दी, और 6 फिल्में बोनस के तौर पे भी आपको बता दी दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय यार।